बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो है CSS इंग्लिश के जो पैरा वर्ड्स होते हैं वो लाया हूँ। पास्ट पेपर्स से मैंने लिए हैं, 2001 से 2018 के पास्ट पेपर्स, और स्पेशली जो वीडियो है वो 2005 की पैरा वर्ड्स जो है उनको कंटेन करता है। थर्ड सेक्शन है। मेरी पहली वीडियो आपने लाजमी देखी होगी, नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सबसे पहले वो देख लें। जितना आप एक सीरीज़ के साथ कोहेरेंस के साथ चलेंगे उतना आपके लिए भी बेहतर होगा। सबसे पहले आ जाते हैं अब अपने पैरा वर्ड्स पे, काउंसिल और काउंसेल। ठीक है, काउंसिल होती है जमायत को कहते हैं, लोगों का जमा होना किसी ख़ास मुद्दे पे। एन असेंबली समूंड फॉर एडवाइस, शूरा भी इसको कहते हैं। कोई भी जो है ना लोगों का जो है ना झुंड बन जाए, जमा हो जाए लोग किसी एक ही मशवरे पे सलाह मशवरा करने के लिए। शी इज़ अ मेंबर ऑफ द टाउन काउंसिल। ठीक है, इसके मेंबर्स भी होते हैं। फिर आएंगे काउंसिल पे, एडवाइस मशवरा या सलाह देना या करना। लिसन टू द काउंसिल ऑफ योर एल्डर्स, अपने बड़ों की जो सलाह है या फिर मशवरा है उस पर गौर करें, उसको सुने। नंबर टू, डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुमताज़, अलग या सबसे मुख्तलिफ, सबसे बेहतर। सेपरेट या डिफरेंट भी इसको कहते हैं। हिज वॉइस वॉज लो बट एवरी वर्ड वॉज डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्टिव पे आ जाते हैं। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसी या खसूसियात वगैरह, डिस्टिंक्टिव खसूसियात को भी कहते हैं तकरीबन। द मेल बर्ड हैज़ डिस्टिंक्टिव वाइट लाइन्स ऑन इट्स हेड। फिर अपोजिट और अपोजिट पे आएंगे। अपोजिट थर्ड है, जिसका मतलब है सूटेबल एंड राइट फॉर द ओकेजन, माकूल जो लफ्ज़ है ये बिल्कुल इस पर फिट बैठता है। ठीक है, माकूल, मुनासिब और पूरा, पूरा भी कह सकते हैं आप इसको। आई फाउंड इज स्पीच होली अपोजिट टू द करंट डिबेट। करंट डिबेट के हवाले से माकूल जो है ना इनकी स्पीच थी। अपोजिट कहते हैं हैविंग ए पोजीशन ऑन द अदर साइड ऑफ समबडी, मुखालफत सिमत में होना, मुखालिफ सिमत में होना, सामने होना। वी सेट एट अपोजिट एंड ऑफ द टेबल। ठीक है, फिर आएंगे नंबर चार पे, डेप्रिकेट और डेप्रिशिएट। डेप्रिकेट का मतलब होता है सख्त बरखिलाफ होना या किसी चीज़ को नामंजूर करना। द आर्टिकल डेप्रिकेट्स देयर नेगेटिव एटीट्यूड। डेप्रिशिएट का मकसद होता है रिड्यूस द वैल्यू, मूल कम आंकना या फिर किसी चीज़ की कम वैल्यू लगाना, किसी को कमतर करना। ठीक है, जैसे अप्रिशिएट करते हैं ना वैसे डेप्रिशिएट भी करते हैं। आई हैव नो डिज़ायर टू डेप्रिशिएट योर एफर्ट। उसके बाद हम आएंगे नंबर फाइव पे, पंक्चुअल और पंक्टिलियस। पंक्चुअल वक्त के पाबंद को कहते हैं, कीपिंग टू द अपॉइंटेड टाइम प्रॉम्प्ट हो। शी वॉज गिवन द कंसोलेशन प्राइज ऑफ द मोस्ट पंक्चुअल स्टूडेंट ऑफ द ईयर। पूरा साल बहुत ही पाबंद वक्त थे वो, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया, कंसोलेशन प्राइज। फिर है पंक्टिलियस, अटेंटिव टू फॉर्मेलिटी, एटिक्वेट, प्रेसाइज इन बिहेवियर, मुख्तसर मिजाज हो, तकल्लुफ मिजाज हों, ज़माने के एटिकेट्स को फॉलो करते हों, बड़े ही फॉर्मल। ही हैज़ ऑलवेज बिन अ पंक्टिलियस होस्ट। सिक्स पे आ जाते हैं, जुडिशियल और जुडिशियस। जुडिशियल पर्टेनिंग टू कोर्ट ऑफ लॉ, कानूनी या फिर अदालती कोई मामला हो तो उसको जुडिशियल हम वर्ड यूज़ करेंगे। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड जज ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट फॉर द जुडिशियल इंक्वायरी ऑफ द मैटर। अदालती इंक्वायरी मामले में करनी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, जज अपॉइंट किया लाहौर हाई कोर्ट में। अब जुडिशियस का मकसद होता है अकलमंद, वाइज। अ जुडिशियस चॉइस मेक्स हर सक्सेसफुल, उनकी अकलमंदाना जो चॉइस थी इसी की वजह से वो कामयाब हुई। नंबर सेवन पे आते हैं सेल्यूट्री और सेल्यूब्रियस। सेल्यूट्री का मतलब होता है हैविंग अ गुड इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग, फलदायक कोई चीज़ हो जिसका अच्छा फल मिले, फ़ायदेमंद कोई चीज़ हो। द एक्सीडेंट वॉज अ सेल्यूटरी रिमाइंडर ऑफ द हैवक ऑफ रश ड्राइविंग। रश ड्राइविंग जो है ना उनको याद आती है और उनको सेल्यूटरी फलदायक चीज़ क्या मिलती है कि ऐसे नहीं चलानी। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे फ़ायदा हो या फिर फल मिले उसे कहते हैं सेल्यूब्रियस।
हेल्थ गिविंग, सेहत देनदार, क्लीन एंड हेल्दी, साफ़ और शफाफ, सेहतमंदाना कोई चीज़ हो, जगह हो। अब यूजेज पे आते हैं, इट इज़ गुड टू स्पेंड योर वेकेशंस एट अ सेलिब्रियस प्लेस। इसके साथ साथ मैं लास्ट पेज 2005 CSS के पास्ट पैराफ्रेज पे पहुंच चुका हूँ। और देना है अपने इस पे एक है कन्वेस और दूसरा है कन्वास, ठीक है। कन्वेस और कन्वेस में सिर्फ एक एस का ही फ़र्क है, कुछ ज़्यादा है नीचे वाले में और ऊपर वाले में एक एस कम है, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल भी आपने देखना है और इनकी मीनिंग भी समझनी है। जो सिंगल एस है, कैनवस, अ हेवी क्लोजली वोवन क्लोथ, ठीक है, सूती का मोटा कपड़ा होता है ना, अक्सर फौज में इस्तेमाल होता है, आपने उसको देखना है, ये उसी को कहते हैं। मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स कैरीड कैनवस बैग्स, कैनवस के बने बैग्स, यानी सूती के मोटे कपड़े से बनी हुई बैग है, सब ने वही उठाई हुई थी। दूसरा है कैनवस, ट्राई टू गेट पोलिटिकल सपोर्ट और वोट। ईजीली आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये सपोर्ट जहाँ से मिले, कोई किसी को राज़ी करना हो वो हो जाए, ठीक है। गिरा की बांधना होता है ना किसी के साथ, वो भी यही होता है। वोट जमा करना, अपने वोट बढ़ाना अपनी फेवर में, जो है ना किसी को रजामंद करना, बहुत सी मल्टीपल मीनिंग्स हैं इसकी। द डेमोक्रेटिक कैंडिडेट विल कन्वेस दी कंस्टिट्यूएंसी नेक्स्ट मंथ। तो इसके साथ साथ हमारा 2005 तक का CSS पास्ट पेपर से लिए गए पैराफ वर्ड्स ख़त्म होते हैं। मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि आपने ये वीडियो और इससे पहले वाले की जो वीडियो है वो भी आपने देखी हो। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें, नोट्स बनाया करें। आपको किसी भी बुक को इन चीज़ों के लिए गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा जो है मैं मटेरियल, जो सोर्सेज हैं मेरे, वो बुक्स ही हैं, वहाँ से देख रहा हूँ, वहीं से ये चीज़ें बना रहा हूँ। तो जिन दोस्तों के पास बुक्स नहीं है, उनके लिए भी ये अच्छी चीज़ है कि वो आप पैराफ वर्ड्स वगैरह इन्हीं से सीख सकते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं CSS के दूसरे ग्रामर, कंपोजिशन, प्रेसाइज, ऐसे हर चीज़ को जो है डे बाय डे लिख के, समझ के आपको समझाता रहूँगा। लाइफ इज़ अ टीचर, ये जो ज़िंदगी है ना, एक उस्ताद है, हर पल हमें कुछ सिखाती रहती है। और एंड में आपसे इतना कहूँगा कि जितना हो सके क्रिएट ईज़ फॉर अदर पीपल, दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए सोर्स ऑफ ईज़, आसानी का ज़रिया बने। तो इसके साथ साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। आपके एग्ज़ाम्स के लिए गुड लक टू यू ऑल। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।